डिजाइनर लहंगों का अनोखा सिलाई मशीन। बहुत समय पहले की बात है, किशनगंज गांव में पूर्वी अपने माता पिता के साथ रहती थी। पूर्वी के माता पिता सब्जी बेचा करते थे और उसी से अपने घर का गुजारा किया करते थे। पूर्वी के घर में गरीबी थी, जिस वजह से पूर्वी स्कूल के बाकी बच्चों की तरह पढ़ लिख नहीं सकी। लेकिन पूर्वी बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़की थी, जिसके पास बहुत सारी स्किल थी और वो बहुत ज्यादा होशियार भी थी। पूर्वी को हमेशा से ही सिलाई कढ़ाई का काम करना बहुत पसंद था। जब उसके माता पिता सब्जी बेचने जाया करते थे तो पूर्वी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बुटीक पर सिलाई कढ़ाई का काम करने जाया करती थी और वहाँ से कुछ पैसे कमाया करती थी। और दूसरी तरफ पूर्वी के माता पिता सब्जी बेचकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करते, जिससे जैसे तैसे करके उनका घर चल रहा था। एक दिन पूर्वी अपने पिता से कहती है, पिताजी क्या आप घर पर ही मेरे लिए सिलाई मशीन ला देंगे, जिससे मैं घर से ही लोगों के सूट लहंगे ब्लाउज आदि ये सब सिला करूं, ताकि हमें अच्छा पैसा मिल सके। और तो और मेरी दोस्त भी ये काम जानती है, हम दोनों मिलकर ये काम करना चाहते हैं। बेटा कभी भी किसी के साथ मिलकर काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे हम किसी के साथ मिलकर काम कर सके। अगर तुम्हें सच में सिलाई मशीन अच्छे से चलानी आती है तो मैं तुम्हें पुरानी सिलाई मशीन दिलवा सकता हूँ, वो भी अभी नहीं अगले महीने तक। लेकिन पिताजी वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो और मैं मिलकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, फिर आप उनके साथ काम करने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? बेटा तू दोस्त के साथ काम करेगी तो दोस्त के साथ पैसा भी बांटेगी ना। अक्सर जब रिश्तों के बीच में पैसे आ जाते हैं तो पैसों की वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है पिताजी, अगर हो सके तो आप अगले महीने मेरे लिए सिलाई मशीन ले आना। ठीक है। पूर्वी की बात सुनने के बाद उसके पिताजी थोड़े टेंशन में हो जाते हैं और ऐसे ही दिन बीतता रहता है। एक दिन सुबह सुबह पूर्वी के माता पिता काम पर निकलते हैं, लेकिन शनिवार का दिन होने की वजह से मार्केट बहुत बड़ी होती है। इस वजह से उसके माता पिता पूर्वी को भी साथ में ले जाते हैं। रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बूढ़ी महिला मिलती है। बेटा मैं यहाँ बहुत समय से भटक रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। कृपया करके मेरी मदद करो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मेरे पास खाने का कोई जुगाड़ नहीं है। क्या तुम मुझे दो रोटी खिला सकते हो? भगवान तुम्हारा भला करेगा। दादी माँ, लेकिन हमारे पास तो खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, फिर हम आपको रोटी कैसे खिला सकते हैं? तभी पूर्वी की माँ अपने रुमाल से बंधी पोटली से सूखे चने निकालती है और उस बूढ़ी महिला को दे देती है। पूर्वी के माता पिता रोजाना बाजार में जो भी कुछ कमाते वो घर में खर्च हो जाते थे। उनकी गरीबी में उन्हें रात के खाने तक का पता नहीं होता था कि रात का खाना उन्हें नसीब होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने उस बूढ़ी महिला की मदद की और उनके पास जो सूखे चने थे वो बूढ़ी महिला को दे दिए। इसके अलावा उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है। शनिवार का दिन होता है, जिस वजह से मार्केट बहुत बड़ी लगती है और देर रात तक घर वापस आना होता है। सभी सब्जी वाले अपनी अपनी तरह तरह की सब्जियां लेकर बाजार में पहुंचते हैं। सबकी जोरों शोरों से बिक्री होती है। वहीं पूर्वी के माता पिता भी अपनी सब्जियां बेचकर घर वापस लौट रहे होते हैं। तभी अचानक से जोर से बारिश हो जाती है और वे लोग एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाते हैं। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, अब मैं क्या करूँ, ये बारिश भी बंद नहीं हो रही है। बेटा थोड़ा सब्र कर, अभी हम लोग घर चलकर खाना खा लेंगे, आज वैसे भी बहुत अच्छी बिक्री हुई है। धीरे धीरे बारिश और तेज हो जाती है। पूर्वी और उसके माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे बारिश के रुकने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज हो रही होती है और वो रुकने का नाम ही नहीं लेती। तभी उनके सामने एक परी प्रकट होती है
जिसे देखकर वे लोग हैरान हो जाते हैं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक जादुई परी हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ। आज तक मैंने परियों की बातें सिर्फ माता पिता की कहानियों में ही सुनी थी, लेकिन आज आपको सचमुच में देख लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी कि आप हम लोगों के सामने आई। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारी माँ के पास सिर्फ सूखे चने रखे थे और मैंने तुमसे रोटी मांगे थे, तो तुमने बिना सोचे समझे मुझे वो चने खाने को दे दिए, जबकि तुम लोगों के पास खुद के खाने को कुछ नहीं रखा था। लेकिन वो तो हमने एक बूढ़ी अम्मा को दिया था, और आप तो एक परी हैं, वो मेरा ही रूप था। मैं एक जादुई परी हूँ, मैं लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनकी परीक्षा भी लेती हूँ। और आज आप सब मेरी परीक्षा में सफल रहे, और अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपके घर में इतनी गरीबी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद करते हैं, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं दिल से आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ। परी की ये सारी बातें सुनकर पूर्वी और पूर्वी का परिवार खुश हो जाता है। तभी परी उन्हें कुछ देती है। ये लो, ये जादुई सिलाई मशीन है, इसकी मदद से तुम जितना चाहो उतने सूट लहंगे आदि सिल सकती हो। क्या ये सिलाई मशीन जादुई है? परी जी, आखिर इस सिलाई मशीन में क्या जादू है? हर सिलाई मशीन तो सूट लहंगे सिलती है, आखिर इसमें ऐसा क्या है? हर सिलाई मशीन पर बैठकर तुम्हें सूट सिलना पड़ता है, लेकिन ये सिलाई मशीन तुम्हारी आवाज सुनेगी, और ये एक जादुई सिलाई मशीन है जिसे कहकर तुम चुटकियों में सूट सिलवा सकती हो और उसको बेचकर अच्छे पैसे भी कमा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी, आपने हमें जादुई सिलाई मशीन दी। हम कुछ ही दिनों बाद सिलाई मशीन खरीदने ही वाले थे, लेकिन आज आपने हमें जादुई सिलाई मशीन देकर हमें बहुत खुश कर दिया। इतना सुनने के बाद परी वहाँ से चली जाती है। पूर्वी की माँ परी का धन्यवाद करती है। थोड़ी देर बाद बारिश भी बंद हो जाती है। फिर पूर्वी और उसका परिवार घर आ जाते हैं, और खाना खाकर वे सभी लोग सोने चले जाते हैं। अगले दिन सभी उठते हैं और उसके बाद जादुई सिलाई मशीन के पास बैठकर कहते हैं, हे जादुई सिलाई मशीन, हमें 6 लहंगे सिलकर दे दो। पूर्वी के माँ के ऐसा कहते ही जादुई सिलाई मशीन से 6 लहंगे अलग अलग डिजाइन के तैयार होकर निकल जाते हैं और उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। लहंगा देखकर पूर्वी बहुत खुश होती है। अरे माँ, परी की बात तो सच हो गई, ये लहंगे तो कितने सुंदर है, मार्केट में इसका बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, और अब हम इसे ही बेचकर रोज पैसे कमाया करेंगे और अपने घर का खर्चा चलाया करेंगे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुमने हमें परी से मिलवाया। आज हमारे पास जादुई सिलाई मशीन है, अब हम इसकी मदद से लहंगे सूट आदि मांगकर बेचा करेंगे। इतना बोलकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और जादुई सिलाई मशीन के लहंगे एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसे लेकर पूर्वी अगले दिन अपनी माँ के साथ मार्केट में पहुँचती है। मार्केट पहुँचकर पूर्वी दुकानदारों से मिलती है। दुकानदार उस लहंगे का अच्छा रेट देता है, लेकिन पूर्वी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जिस वजह से वो अपनी माँ से कहती है, माँ क्यों ना हम अपने लहंगों की अलग से दुकान खोलें और उसमें हम लहंगा बेचकर खुद का बिजनेस करें। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो बेटी। उसके बाद दोनों माँ बेटी घर पहुँचती है और घर जाकर अपने पिता को सब कुछ बताती है। ये बातें सुनकर उनके पिता अपने खुद की दुकान खोलने के बारे में सोचते हैं। कुछ दिनों तक हम ऐसे ही लहंगे बेचते हैं, लहंगे बेचकर जो पैसे इकट्ठा होगा उससे हम कुछ दिनों बाद खुद की दुकान खोलेंगे। हाँ बेटा, तेरे पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूर्वी और उसके माता पिता कुछ दिनों तक ऐसे ही बाजार में लहंगे बेचते हैं और पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे ही महीना बीत जाता है, और उसके बाद वे लोग खुद के लहंगों की दुकान खोल लेते हैं, जिसके बाद दिन ब दिन उनके पास बहुत अच्छा पैसा आने लगता है। धीरे धीरे
उनके शहरों तक ग्राहक बन जाते हैं और लोग दूर दूर से उनके लहंगे खरीदने आते हैं। पूर्वी के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी और उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था, जिसके बाद वे लोग अपना खुद का घर बनवा लेते हैं और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं और लहंगे का एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन बन जाते हैं। कुएं की जादुई सात साड़ी। राधेपुर नामक गांव में महिमा अपनी माँ सुनीता के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब थे। वे दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल से बिता रहे थे। एक दिन सुनीता अपनी बेटी महिमा की शादी राजेश नाम के लड़के से तय कर देती है और वह शादी की तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, अभी तक शादी की कोई भी तैयारियां नहीं हुई है, अब हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। महिमा के लिए कुछ कपड़े भी खरीदने होंगे और शादी के लिए जरूरी सामान भी खरीदनी होगी। इतना सोचकर सुनीता खरीदारी करने के लिए गांव के नजदीक के बाजार में चली जाती है। बाजार जाने का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। जब सुनीता जंगल से होकर गुजर रही थी, तभी उसे जंगल से एक आवाज सुनाई पड़ती है। सुनीता उस आवाज को सुनकर आवाज की तरफ जाती है, तभी वह देखती है कि एक पिंजरे में कुछ पंछी कैद हो गए हैं। तभी सुनीता बोलती है, अरे, इन बेजुबान पंछियों को किसने कैद कर रखा है? लगता है कोई शिकारी अपना जाल बिछाया था और ये मासूम पंछियां पिंजरे में फंस गई है। मुझे इन लोगों को यहाँ से आजाद कर देना चाहिए। तभी पिंजरे में फंसे हुए मासूम पंछियां सुनीता से बोलती है, हमें बाहर निकालो, एक शिकारी ने हमें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। वो शिकारी आता ही होगा, वो हमें मारकर खाना चाहता है। अगर हम इस पिंजरे से जल्दी बाहर नहीं निकले तो वे शिकारी हमें बेच देगा या मारकर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए। पर मैं आप लोगों की मदद कैसे कर सकती हूँ? यह पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से हम सबको बाहर निकालने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही बड़ा गुफा है, जिसके अंदर उस शिकारी ने ढेर सारा खजाना छुपा कर रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी रखी है। तुम्हें उस पिंजरे की चाबी लाने के लिए उस गुफा के अंदर जाना होगा और इस पिंजरे को खोलकर हमें आजाद करवाना होगा। यह सुनकर महिमा उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। जंगल से थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे वह गुफा भी दिखाई देता है। तभी गुफा देखकर सुनीता बोलती है, अरे, लगता है ये वही गुफा है जो हमें उन पंछियों ने बताया है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सुनीता उस गुफा के अंदर जाने लगती है और वहाँ जाकर सुनीता पिंजरे की चाबी को ढूंढने लगती है और उसे चाबी मिल जाती है। तभी सुनीता जैसे ही चाबी उठाने के लिए आगे बढ़ती है, वैसे ही उसकी नज़र बहुत ही कीमती खजानों के ऊपर जाती है। वहाँ पर बहुत ही कीमती सोने चांदी और हीरे जेवरात रखे हुए थे, परंतु सुनीता लालच में ना आकर केवल वहाँ से चाबी उठा लेती है और वापस उसी पिंजरे के पास जाती है। उसके बाद वो पिंजरा खोल देती है और फिर सभी पंछी आजाद हो जाते हैं। जैसे ही पिंजरे से पंछी बाहर निकलते हैं, वैसे ही वो अपना रूप बदल लेते हैं और वह सात परियों के रूप में बदल जाती है। तभी सुनीता कहती है, अरे, आप सब तो परियां हैं, मैंने आप सबको आजाद कर दिया, अब आप सब खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सुनीता, तुमने हमारी जान बचाकर बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल की हो। तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए इसके बदले में हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुमने हम सात परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें सात जादुई साड़ी देते हैं। लेकिन तुम्हें इन सात जादुई साड़ियों को लोगों की नज़रों से बचाकर रखना होगा। अगर किसी को इन सात साड़ियों के बारे में पता चल जाएगा तो इसका जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन परी जी, मैं भला इन जादुई सात साड़ियों को कहाँ पर रखूंगी? सुनीता, तुम्हें इन सात साड़ियों को छुपाकर रखना ही होगा। तुम्हारे घर के पीछे बहुत पुराना कुआं है, तुम उस कुएं में इन सातों जादुई साड़ियों को डाल देना और तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत होगी तो तुम उस कुएं में आवाज देना। ये सातों की सातों साड़ियाँ तुम्हारी मदद करेगी।
इसके बाद परियां सुनीता को 7 साड़ियां दे देती है। सुनीता उन साड़ियों को लेकर अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद सुनीता ये सारी बातें अपनी बेटी महिमा को बताती है। उसके बाद सुनीता उन 7 साड़ियों को परी के बताए हुए अनुसार घर के पीछे वाले कुएं में डाल देती है और बोलती है, अब इन साड़ियों को कोई खतरा नहीं है, अब किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह से वे 7 साड़ियां कुएं में सुरक्षित हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सुनीता अपनी बेटी महिमा की शादी की तैयारियां करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन तभी एक दिन अंधेरी रात में बहुत ही तेज आंधी तूफान आता है, जिसमें सुनीता की टूटी फूटी मिट्टी का घर गिर जाता है और दोनों माँ बेटी बहुत ही उदास हो जाते हैं। तभी सुनीता बोलती है, अरे ये सब क्या हो गया, अब तो मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूँगी, अब भला मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगी। घर से बेघर हो जाने के बाद दोनों माँ बेटी को बहुत ही दुख होता है और दोनों माँ बेटी फूट फूट कर बहुत ही रोती है। तभी रोते रोते सुनीता परी की दी हुई जादुई साड़ियों से मदद मांगने का सोचती है, क्योंकि इस समय उसे मदद की बहुत ही आवश्यकता होती है। तभी सुनीता उस कुएं के पास जाती है और उस कुएं में रखी हुई जादुई साड़ियों से अपनी सारी परेशानी बताती है, जिसके बाद साड़ियों में से आवाज आती है, सुनीता हमारे होते हुए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है ना, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं, ये लो पैसे। साड़ियों के इतना बोलते ही एक साड़ी कुएं से ऊपर आकर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देती है और सुनीता इतने सारे पैसा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसा चमत्कार सुनीता और उसकी बेटी ने कभी नहीं देखा था। उसके बाद वे साड़ी वापस से उसी कुएं के अंदर चला जाता है। तभी महिमा अपनी माँ से बोलती है, अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए, अब तो हम इन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद ही सकते हैं। हाँ महिमा बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हमें रहने के लिए एक घर खरीद लेना चाहिए। उसके बाद सुनीता उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने की बात सुनीता की बहन मालती को जब पता चलता है तो वह यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वह सोचती है, अरे कल तक तो इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज इन्होंने रहने के लिए इतना बड़ा घर खरीद लिया, मुझे तो इस बात का पता लगाना ही होगा कि आखिरकार मेरी बहन सुनीता रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई। कल तक तो वह टूटी फूटी झोपड़ी में अपना दिन गुजारा करती थी और खाने के लिए भी तरसती थी, और आज ये अचानक से इतनी अमीर कैसे हो गई, जो ये सब अब गरीब लोगों में पैसे और सोना चांदी बांट रहे हैं। मुझे तो पता लगाना ही होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से सुनीता की बहन सुनीता के ऊपर नजर रखने लगती है। सुनीता जहाँ भी जाती उसकी बहन चुपके से उसके पीछे पीछे जाती है। एक दिन सुनीता उसी कुएं के पास जाती है और कुएं से कहती है, हे जादुई कुआं, मैं गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिस तरह आपने मेरी मदद की है मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ बाकी के और भी गरीब और असहाय लोगों की मदद कर सकूँ, इसलिए आप मुझे थोड़े से पैसे और दे दीजिए ताकि मैं गरीब लोगों की जरूरत को पूरा कर सकूं। सुनीता के इतना कहते ही कुएं से सारी जादुई साड़ियां निकलकर बाहर आ जाती है और वे सभी साड़ियां मिलकर सुनीता को बहुत सारे पैसे और सोने चांदी देती है। तभी सुनीता उन साड़ियों से बोलती है, तुम सभी जादुई साड़ियों का बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं इन पैसों और सोने चांदी की मदद से और भी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करूँगी। इसके बाद सारी साड़ियां वापस से उसी कुएं के अंदर चली जाती है। दूर खड़ी सुनीता की बहन यह सब देख रही होती है। तभी उसकी बहन बोलती है, अच्छा तो ये बात है, सुनीता इन साड़ियों की वजह से रातों रात मालामाल हो गई है। इस कुएं की साड़ियां सुनीता को पैसे और सोने चांदी देती है, मुझे किसी भी तरह इस कुएं से सारी साड़ियां निकालनी होगी, उसके बाद मैं इस गाँव की सबसे ज्यादा अमीर औरत बन जाऊंगी। उसके बाद सुनीता की बहन रात होने का इंतजार करने लगती है। रात होते ही वह सुनीता के घर के पास पहुंच जाती है
और सीढ़ियों की सहायता से कुएं के अंदर पहुंच जाती है। तभी जादुई साड़ियां बोलती है, ये लालची औरत हमें यहाँ से लेने आई है, हमें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। इसके बाद वह सारी जादुई साड़ियां मिलकर आपस में बिजली प्रकट करती है और सारी बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देती है। हाय हाय, मैं मर गई, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो, प्लीज कोई मेरी मदद करो, मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी, हाय छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई। काफी देर बिजली के झटके खाने के बाद सुनीता की बहन कुएं से बाहर निकलती है और अपना मुंह छुपाकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद सुनीता की बहन उस जादुई साड़ियों को चुराने के बारे में कभी सोचती तक नहीं है और सुनीता कुएं की जादुई सात साड़ियों की मदद से अपनी बेटी महिमा की शादी बहुत ही धूमधाम से करती है। जादुई सात साड़ियों की वजह से महिमा अपने माँ और पति के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। गरीब बेटी की शादी। सोनपुर गांव के एक बहुत ही गरीब परिवार में गोमती ने 5 बेटियों के बाद फिर से एक बेटी को जन्म दिया। 5 बेटियों के बोझ के बाद फिर एक बेटी का जन्म, यह उस परिवार के लिए खुशी नहीं बल्कि एक नई मुसीबत थी। अरे करम जली, 6 बेटियों को जन्म के हम सब की छाती पर मूंग क्यों दलवाना चाहती है? हे भगवान, पहले ही हमारे ऊपर 5-5 लड़कियों का बोझ है, घर में एक ही मजदूरी करने वाला है, उसमें भी जिस दिन उसे काम नहीं मिलता हमें भूखा ही सोना पड़ता है, ऊपर से एक और बेटी का पेट हम कैसे भर पाएंगे? सास की इस जली कटी का गोमती के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि गरीबी और भूख इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो कोई आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। यह कहानी उसी गरीबी में जन्मी राधा की है। राधा के पैदा होने से सब दुखी थे, तभी एक सेठानी उनके घर आकर उनका दरवाजा खटखटाई। गोमती की सास फूलमतिया ने जैसे ही दरवाजा खोला, शहर की एक बहुत ही धनवान महिला प्रेमलता खड़ी थी। क्या आपके घर किसी कन्या का जन्म हुआ है? कन्या? हाँ, कल रात को ही मेरी अभागन बहू ने एक कन्या को जन्म दिया है। लेकिन यह सब आपको कैसे पता? देखिए, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस कमी है तो एक औलाद की। क्या आप मुझे वह कन्या दे सकती हैं? मैं आपकी पोती को गोद लेना चाहती हूँ। यह सुनकर फूलमतिया प्रेमलता को एकटक निहारती रहती है और बोलती है, मालकिन हम सब बहुत ही गरीब लोग हैं, बहुत मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। जब से ये लड़की हुई है तब से हम सबको उसी की फिक्र लगी हुई है। आप हमारे घर देवी की तरह आई हैं। आपके घर जाकर इस अभागन का भाग्य खुल जाएगा। मुझ गरीब के पास इस बच्ची को देने के लिए भूख और बीमारी के सिवा कुछ नहीं है, और आपके पास दुनिया की तमाम खुशियां हैं। फूलमतिया ने प्रेमलता को अपनी पोती दे दी। प्रेमलता उस बच्ची को लेकर वहां से निकल पड़ी। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। प्रेमलता ने अपनी कार उस नदी के पास रोकी और बच्ची को लेकर पुल पर खड़ी हो गई। आज मैं अपने बेटे के भाग्य का लिखा मिटाने जा रही हूँ। मिटाने जा रही हूँ मैं राजगुरु की उस भविष्यवाणी को, जिसे मैं अपने जीते जीतो कभी पूरा नहीं होने दे सकती। यह बोलकर प्रेमलता ने उस छोटी सी बच्ची को नदी में फेंक दिया। प्रेमलता शहर की सबसे नामचीन अमीर घराने से थी। एक जाने माने ज्योतिष ने उन्हें बताया था कि उनके इकलौते बेटे की शादी गांव के सबसे गरीब घर की बेटी से होगी। उस पंडित ने उसे यह भी बताया कि यह बच्ची और कोई नहीं बल्कि पूर्णमासी को जन्मी गोमती की बेटी ही है। मैं इस भविष्यवाणी को मिटा कर रहूंगी, मैं खुद से अपने बेटे की तकदीर लिखूंगी, मैं मार डालूंगी उस लड़की को, नहीं छोड़ूंगी। वही दूसरी ओर वह छोटी बच्ची पानी में बहे जा रही थी। वही नदी किनारे बसे गांव के मछुआरन कमला मछली मारने के लिए नदी में जाल डाली थी। कितनी देर हो गई, आज तो एक भी मछली जाल में नहीं आई। तभी उसकी नजर पानी में बह रही उस बच्ची पर पड़ती है जो जोर जोर से रोए जा रही थी। अरे
ये किसकी बच्ची है? किस शैतान ने इस फूल सी बच्ची को पानी में फेंक दिया? अरे, जब पाला नहीं जाता तो लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं? कमला ने उस बच्ची को पानी से निकाला, वह रोए जा रही थी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अच्छा, भूख लगी है? मैं हूँ ना, मत रो, चुप हो जाओ। कमला एक विधवा औरत थी, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसने उस बच्ची को गोद ले लिया। कमला ने उसका नाम राधा रखा। धीरे धीरे समय का पहिया घूमता गया। राधा अब 18 वर्ष की हो गई थी और इसी बीच कमला की भी मृत्यु हो गई। उधर प्रेमलता का बेटा राजीव भी जवान हो गया था। एक दिन की बात है, राजीव नाव की सवारी कर रहा था, तभी मौसम बहुत ही खराब हो जाता है। तेज आंधी और बारिश से राजीव की नाव डूबने लगी। राजीव पानी में गिर गया। कुछ देर तो वो पानी में अपना हाथ पैर मारता रहा, लेकिन तैरना नहीं आने की वजह से वह पानी में बेहोश हो गया और पानी में बहने लगा। वहीं दूसरी तरफ राधा उस समय नदी में मछलियां पकड़ने के लिए आई थी, लेकिन तूफान के कारण वो वापस घर जा रही थी। तभी उसकी नज़र पानी में बह रहे राजीव पर जाती है। अरे ये कौन है? कौन इस तरह पानी में बहता आ रहा है? मुझे जल्दी ही इसकी जान बचानी होगी, नहीं तो ये मर जाएगा। राधा तुरंत पानी में कूद कर उसकी जान बचा लेती है। राजीव को जब होश आता है तो वो खुद को राधा के घर में पाता है। ये मैं कहाँ हूँ और आप कौन हैं? तब राधा ने राजीव को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर राजीव का दिल राधा के लिए प्यार से भर गया। इसने मेरी जान बचाई, अगर ये वक्त पर नहीं आती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। मुझे इससे अच्छे जीवन साथी कहीं नहीं मिल सकते। और फिर उसने राधा से अपने प्यार का इजहार किया। राधा को भी राजीव बहुत पसंद आया था, इसलिए उसने भी हाँ कर दिया और कुछ ही दिनों में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राजीव राधा को लेकर अपने घर पहुँचा और अपनी माँ को सारी बातें बताई। बेटे, तुमने ऐसे कैसे शादी कर ली? अरे कौन है ये लड़की? इसका खानदान क्या है? कहाँ रहती है? तब राधा ने उसे अपने बारे में सारी बातें बताई, जिसे सुनकर प्रेमलता ने अपना सिर पीट लिया और मन ही मन सोचने लगी। हे भगवान, 18 साल पहले मैंने जिस लड़की को अपने बेटे के जीवन से निकाल फेंका था, आज ये फिर से मेरे सामने आ गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। इस गरीब मजदूर की बेटी को मैं अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। कुछ दिनों के बाद राजीव कुछ काम से शहर से बाहर चला गया। तब प्रेमलता ने राधा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं बल्कि अपने इकलौते बेटे के लिए, उसके जीवन के लिए। बोलो, क्या तुम मेरे बेटे के जीवन के लिए ये कर पाओगी? बोलो बेटी, या फिर मना करके मेरे बेटे के जीवन को हमेशा के लिए मिटा दोगी? बोलो बेटी, जवाब दो। ये सब आप क्या बोल रही हैं माँ जी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मुझे तुमसे यह कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो आखिर माँ हूँ, अपने बेटे को खुद से अलग होते नहीं देख सकती। तुम्हें तो पता ही है हमारे पुरोहित राजगुरु कितने ज्ञानी हैं, उनकी कही हुई बात आज तक गलत नहीं हुई है। मैंने उनसे तुम्हारी और राजीव दोनों की कुंडली दिखाई थी, उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम दोनों के साथ रहने से मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैं सच कह रही हूँ बेटी, मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। बेटी अगर तुम उससे दूर चली गई तो मेरा बेटा बच जाएगा। मेरे बेटे को बचा लो बेटी। अपने पति के जीवन के खातिर राधा उस शहर को छोड़कर एक जंगल में चली गई। कई दिनों तक भूखे प्यासे भटकने के बाद वो बेहोश होकर जंगल में गिर गई। जब उसे होश आया तब उसके सामने भैरव नाम का एक बूढ़ा सपेरा बैठा था। तुम कौन हो बेटी, और तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? तब राधा ने उसे रोते हुए अपनी सारी बातें बताई। उसकी बातें सुनकर भैरव सपेरा ने कहा, बेटी भाग्य के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, शायद तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। और वैसे भी
तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे पति के जीवन के लिए है, इसलिए इसे स्वीकार करके नई जिंदगी की शुरुआत करो बेटी। उस दिन से राधा उस बूढ़े सपेरे के साथ रहने लगी। वह उसके साथ सांप का खेल दिखाती और उसने भैरव सपेरे से न सिर्फ जहरीले सांपों को पकड़ने की कला सीखी बल्कि उनके जहर को काटने का मंत्र और जड़ी बूटी के बारे में भी जाना। बेटी तुम बहुत ही प्रतिभावान हो, जिस कला को सीखने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया उसे तुमने इतने कम समय में इतने अच्छे से सीख लिया। समय का पहिया फिर घूमने लगा। फिर एक दिन प्रेमलता और राजीव उसी गांव में अपने किसी रिश्तेदार की शादी में आए। शादी के बाद राजीव अपने कमरे में सो रहा था, तभी पता नहीं कहीं से एक जहरीला सांप आकर राजीव को काट लिया। राजीव दर्द से चीख उठा, माँ माँ मुझे सांप ने काट लिया माँ। राजीव का पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश हो गया। प्रेमलता के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और लोगों से मदद मांगने लगी। तभी किसी ने उसे भैरव सपेरे के बारे में बताया। बहन, यहाँ से कुछ ही दूर सपेरों की बस्ती है जहाँ भैरव नाम का सपेरा रहता है। कहते हैं उसके पास दुनिया के सारे सांपों के जहर का काट है। हमें जल्दी ही इसे उसके पास ले जाना होगा। और फिर सभी राजीव को भैरव सपेरे के घर ले आते हैं और भैरव सपेरों को सारी बातें बताते हैं। यह सब सुनकर सपेरा कहता है, देखिए अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो ठीक से दिखाई तक नहीं देता। मैं अब तुम्हारे बेटे का इलाज करने में असमर्थ हूँ, लेकिन हाँ मेरी बेटी तुम्हारी मदद कर सकती है। उसके बाद उसने राधा को आवाज दी। राधा को देखते ही प्रेमलता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिंदगी से अपना सर झुकाते हुए राधा को देखा। राधा अपनी सास को देखते ही उसे पहचान गई। वह तुरंत ही जंगल से जड़ी बूटी लाकर राजीव को लगा दी और जल्दी ही राजीव के शरीर से जहर उतर गया और वह ठीक हो गया। उसने जैसे ही अपने सामने राधा को देखा खुशी से चौंकता हुआ बोला, राधा तुम जिंदा हो, पर माँ ने तो कहा था जब मैं काम से बाहर गया था तब तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। ये सुनकर राधा ने अपनी सास प्रेमलता की तरफ आश्चर्य से देखा। प्रेमलता राधा के सामने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ, खासकर राधा बेटी तुम्हारा। मैं भाग्य के लिखे को बदलना चाहती थी लेकिन मैं हार गई बेटी, मुझे माफ कर दो राधा बेटी, मुझे माफ कर दो। उसके बाद प्रेमलता ने राजीव को सब कुछ सच सच बता दिया। यह सब सुनकर राजीव को अपनी माँ से घृणा होने लगी, लेकिन राधा के कहने पर उसने अपनी माँ को माफ कर दिया और फिर सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।